चलो रे भाई कदम ताल मिला के चलो रे भाई वही अल्लाह दास दास की दिखा दे सर गए मेरे सो मान लिए गाता है अंदर 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 कार्तिक नाच यार चल चल सब चंगा किया उसने दाकर सौर के उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया तेरी उयों के किनारे अद्भुत आपाया उसने दाकर सौर के उंडेला यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया alive 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 forevermore my Jesus is alive alive forevermore alive 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 forevermore my Jesus is alive बोलो मसीहा की जय बोलो बोलो मसीहा की जय 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 तेरे लिए माया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया तेरे लिए यीशु है सच मेरे लिए
खुशी में हूँ, तुम मसीह में हो। खुशी खुशी बना, खुशी खुशी बना, खुशी बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। रतम जयम, 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 फैलाओ रे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ समाती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाल पर तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुनगान। अलिख तुम्ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुनगान। परमेश्वर ने हमें क्यों को संभाल के रखा, उस परमेश्वर को हम स्मरण करें और उसका धन्यवाद करें। आइए सब कोई अपने आँखों को बंद करेंगे और स्तुति करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु। यस लॉर्ड हालेलुया स्तुति और प्रशंसा करते हैं खुदा वो देश राजाओं का राजा
प्रभु का प्रभु तू हमारे बीच में खुदावन, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बीच में परमेश्वर तू उपस्थित रहा परमेश्वर, और हर एक कार्य को करने के लिए तू सहायता मदद किया परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर आपको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं खुदावन। yes, हमारी प्रार्थना तुझ तक पहुँच न पाए प्रभु, तू ऐसा अनुग्रह कर दया कर परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन। ज्यादा देर तो नहीं बोलेंगे, मैं 5 मिनट ही बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं जान रहा हूँ आप लोग थके मंदे हैं, बहुत सारा मेहनत किए, काम किए हैं, फिर भी हम लोग प्रभु में क्या है, आनंदित है। इसीलिए दाऊद और पौलुस भी कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। दूसरा लोग जब हम लोग अभी काम करके थक जाते तो तभी सो जाते, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, इतना देर तक हम लोग नहीं रह पाते दूसरा कोई संसारिक काम करने से नहीं, लेकिन हम लोग प्रभु के काम करने के कारण हम लोग को थकान भी नहीं लगता है। हम लोग चाहते कि और एक दिन मीटिंग बढ़ जाता तो अच्छा था, ऐसा हम लोग को खुशी लगता है। आज उसी का खुशी और उपलक्ष में आप सब हम लोग सब कोई हैं, और कई एक लोग बाहर में गए हुए हैं, परमेश्वर उन लोग को भी सुरक्षित प्रदान रखे जैसे आप लोग को हम लोग को संभाल के रखा है। और हम लोग नीति वचन 7 अध्याय उसका 1-2 पद मैं पढ़ के अंत करूंगा। आप लोग सोएंगे नहीं, जिसको नींद लगता है तो हाथ उठा देंगे, उसके लिए बिस्तर उधर लगा हुआ है ना, 5 मिनट हम लोग दिल थाम के बैठे रहेंगे। हाँ मेरे जवान भाई बहनों, आप लोग जवान हैं, अभी उतना उम्र नहीं गया है, सब कोई हमसे तो छोटे ही हैं लग रहे हैं, तो हम लोग सुनेंगे वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख, और मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपने आंखों की पुतली जान। यहाँ पर बहुत अच्छा वचन को राजा सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को मना कर। आज बहुत कोई बात नहीं मानते हैं, आज संसार में बहुत सारे लोग हैं किसी का बात नहीं मानते हैं। अरे छोड़िए ना, अभी हम जवान हैं, हम बच्चा थोड़े हैं, हमको वहां जाने दीजिए, वहां जाने ऐसा बोलते हैं। जवान हैं हम लोग, जिधर जाना चाहेंगे उधर चल जाते हैं, जिधर मुड़ना उधर मुड़ जाते हैं, हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है। जन्म देने वाले माँ बाप भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोला अभी जवान है, बच्चा थोड़े, हमको जाने दीजिए, ऐसा बोल। हम लोग कई एक बार किसी का बात को नहीं मानते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसीलिए सुलेमान बहुत बड़ा बुद्धिमान राजा कहता है, हे मेरे पुत्र आपको और मुझको परमेश्वर के क्या है, बेटा और बेटी है। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। इस बात को आप और हम जैसे हम लोग माता पिता के द्वारा इस दुनिया में जन्मे हैं जरूर, लेकिन हमारा सबका माता पिता कहने का वो स्वर्ग में है। हालेलुया, इसीलिए और नीचे बहुत और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हम लोग मन में रख नहीं पाते हैं, हम लोग कई एक बार उसको भूल जाते हैं, उसकी करुणा को, उसकी दया को, उसकी भलाई को हम कई एक बार स्मरण कर नहीं पाते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है हर समय, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को तू ना भूल। हम लोग संसार में थे, उधर गजड़ गजड़ कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने छून लिया। आप लोग संसार में थे, हम लोग कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे, परमेश्वर का अनुग्रह यदि नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ये लोग बोलती क्या कहा, हम लोग कहाँ का, आप लोग कहाँ का, कहाँ से परमेश्वर ने चुना के लाया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा माहौल में रहूंगा, चाहे ऐसा करूंगा, कभी जिंदगी में ये सोचा था। हम लोग का गाँव में पूरा हरिया दारू पूरा संसार लोग भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसमें से चुन के लाया और परमेश्वर की महिमा के लिए मुझको और आपको खड़ा किया, मुझको और आपको संभाल के लाया है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। और जो नीति वचन 3 अध्याय मैं उसका 1 पद पढ़ के समाप्त करूँगा, उस इसमें भी वही बात को लिखता है। किसी के पास बाइबल है तो पढ़ दें, नहीं है तो हम ही पढ़ेंगे। हाँ, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा ही करने से, हाँ
तेरी आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारी आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज आपको और मुझको आगे बढ़ाने वाला, जीवित रखने वाला परमेश्वर है। शायद आज हम प्रभु में नहीं